नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी ने तूफानी जीत दर्ज की है, ऐसी जीत जिसमें विरोधियों का सूपड़ा साफ हो गया। इस जीत ने बीजेपी के अंदर गुजरात में भी विजय का भरोसा पैदा कर दिया है। बीजेपी को लगता है कि उनका विजय रथ गुजरात में भी विरोधी दलों को ऐसे ही रौनते हुए निकल जाएगा। लेकिन पहली बात तो यह कि यूपी के निकाय चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव में कई बुनियादी फर्क है, और दूसरी बात यह कि गुजरात का चुनाव विशुद्ध तौर पर जाति की सियासत पर घूम रहा है। तीसरी बात यह कि बीजेपी के सामने राहुल, हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश की चौकड़ी है, फिर भी बीजेपी जीत का जश्न मना रही है और यह मानकर बैठी है कि यूपी में अगर दिखा है दम तो गुजरात में भी हो जाएगा बम बम। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या यूपी की मोदी लहर गुजरात में भी इसी तरीके से चल पाएगी? क्या यूपी की जीत के बाद राम मंदिर का मुद्दा जानबूझकर गुजरात के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उछाला गया है, और क्या यूपी चुनाव में जो कांग्रेस का नुकसान हुआ है वो गुजरात में पार्टी के मनोबल को भी कमजोर करेगा? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर। बीजेपी को जीत उत्तर प्रदेश में मिली है और जश्न का नगाड़ा अहमदाबाद में गूंज रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिखा है दम, गुजरात भी होगा चुनावी जीत से बम बम। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव सबकी आंखों को खोलने वाला है, खासतौर पर जो लोग गुजरात के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नगर निकाय में उनका खाता नहीं खुल पाया। हमारी सरकार ने लोक कल्याणकारी जो निर्णय लिए हैं उसकी परिणति, संगठन ने उन कार्यक्रमों को निचले स्तर तक पहुंचाने में जो योगदान किया है, इसलिए सामूहिक सफलता का परिणाम नगर निकाय चुनाव के ये परिणाम है। अपने आप में ये इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है, वही कांग्रेस गुजरात में जीत के जो सपने देख रही है वो सपने बहुत ही जल चकनाचूर हैं। मगर उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव में कई बुनियादी अंतर है। गुजरात की राजनीति विकास के मुद्दे से छिटक कर जात के मुद्दे पर अटकी हुई है। बीजेपी के सामने राहुल, हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश की चौकड़ी है जो चिंता भी पैदा करती है और चिंतन करने के लिए बीजेपी को मजबूर भी करती है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से राम मंदिर का मुद्दा भी यदा कदा उछाल दिया जाता है जो भारतीय राजनीति की कंदराओं तक घुसा हुआ है। नया उत्साह पैदा हुआ है कि हम लोग राम मंदिर बना पाएंगे। आशाएं जो 500 साल में से 500 साल के लिए लोग त्रस्त थे उसका होने की संभावना दिखकर बहुत लोग अति संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश में मिली जीत की लकीर पकड़कर बीजेपी गुजरात में विजय पताका फहराने का भरोसा पाले है, और भरोसे की वजह यह है कि सारे दाव पेच और राजनीतिक घेराबंदी के बीच बीजेपी का विजय रथ तमाम विरोधों और आरोपों के पार दौड़ता चला जा रहा है, विपक्ष की बुनियाद हिलाते हुए। योगी आदित्यनाथ जी को भी हम बधाई देते हैं, गुजरात की तरफ से एक बहुत अच्छा संदेश आया है, और गुजरात में भी जो हवा इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है हम निश्चित रूप से मिशन 150 को प्राप्त करेंगे। बहरहाल गुजरात के दंगल से पहले उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों के नतीजे बीजेपी के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है, और बीजेपी इस जीत का भरपूर इस्तेमाल गुजरात के रण में जरूर करेगी। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि आज के दंगल में मेहमान हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अखिलेश प्रताप सिंह, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं रविदास मेहरोत्रा, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और निनाद सेठ हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। पहला राउंड अखिलेश प्रताप सिंह और सुधांशु जी दोनों आपके पास मैं आ रहा हूं पहले सवाल को लेकर। अखिलेश जी, अभी भी आप हार स्वीकार करने के लिए इंतजार करना चाहते हैं कि और रिजल्ट आएंगे, या आप मान रहे हैं कि यूपी की जनता ने कम से कम कांग्रेस को नकार दिया? रोहित जी, बीजेपी तो झूठ बोलने की मशीन है, आप लोग भी उसी को धारा प्रवाह करने लगते हैं। अभी मैं सुन रहा था आपने बताया कि अमेठी में कांग्रेस हार गई। क्या अमेठी में कांग्रेस लड़ी थी कि हम हार गए?
एक मंत्री मेरे साथ फोन पे थे, वो बताते हार गए। एक केंद्रीय मंत्री का ट्वीट है कि हार गए। अरे पूरे दुनिया में गणेश को दूध पिलाने वाले आप लोग, कम से कम सत्य तो बोलो। और भाई मीडिया के लोग कुछ तो जांच परख लिया करो। गोरखनाथ मंदिर का वार्ड माननीय योगी जी हारे हैं, जहां पे इनका वोट पड़ा है, जहां पे ये रहते हैं। देखिए तुलना जब होगी तो बीजेपी कहां थी, मैंने सुबह भी आपसे कहा था 12 में से 10 पिछले बार जीती थी, 16 में से 14 जीते हैं, सीटें बढ़ी क्या उनकी, वोट परसेंटेज बढ़ा क्या? पिछले बार 37% वोट बीजेपी का था, 16% हमारा था, प्रणाम आने दीजिए ना। अब 2/3 बहुमत पाए थे विधानसभा में और इसमें आधा ही जीत पाए हैं, 50% अगर टाउन एरिया नगर पालिका सारे मिला के, उसका जिक्र नहीं चैनल कर रहे हैं कि टाउन एरिया नगर पालिकाओं का क्या हाल है, महापालिका ही बस चल रही है, बाकी टाउन एरिया में तो वोटर रहते नहीं है, वहां कोई काम होता है कि नहीं होता है। तो ये सब चीजों को आ जाने दीजिए, दिख जाएगा कांग्रेस पार्टी गेनर है, बीजेपी लूजर है। बीजेपी रिटेन कर पाई है और रिटेन करने में भी कम जितनी थी उतनी भी नहीं कर पाई है, ये परिणाम सारे आ जाए देखिएगा। लेकिन जब झूठ मूठ में कूदना है, उछलना है, 90 सेकंड हो गए बोलते रहना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके झूठ सच के 90 सेकंड हो गए हैं सुधांशु त्रिवेदी, आपके झूठ सच के 90 सेकंड अब शुरू हो रहे हैं। आप बताते हैं अमेठी ये हार गए, ये बताते हैं गोरखनाथ का मंदिर आप हार गए, आप कहते हैं सीटें हम जीत गए, ये कहते हैं वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है। कौन हारा कौन जीता आप ही लोग तय कर दीजिए। देखिए कांग्रेस के ऊपर आज वो मसल लागू होती है कि आज इनकी सीटें इतनी कम रह गई कि जो एक पंक्ति है कि आज उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि नशा तब भी नहीं उतरा है, मतलब इस कदर परिस्थितियों का बदलाव होने के बाद भी कोई पार्टी दूसरों के ऊपर आक्षेप लगाने को तैयार हो। अखिलेश जी पुराने वरिष्ठ नेता हैं, क्या उनको यह समझ में नहीं आता कि नगर निगम का चुनाव मतदाताओं के आधार पर लगभग सांसद की तरह होता है, यानी वो 16 संसदीय सीटों के चुनाव की तरह है। नगर पालिका और पंचायतों के जो चुनाव हैं, अरे भाई वहां पर लोकल स्तर पे चुनाव होता, हम सबको भी पता है यथार्थ में कि अगर कोई कारपोरेटर का चुनाव होता है तो आदमी अपने आधार पर भी 150 वोट प्राप्त कर लेता है। तो वहां पर लोकलाइज चुनाव में जहां लोकल कैंडिडेट का महत्व होता, अगर उसमें भी पार्टी इतना भारी मत प्रतिशत लाई है, इस यथार्थ को कोई न समझना चाहे तो मैं इसे उनकी बुद्धि की बलियारी ही कहूंगा। और मैं कहूंगा कि कांग्रेस अभी भी किस मुगालते में है, अब इसको राहुल गांधी इफेक्ट कहें या कांग्रेस का क्या इफेक्ट कहें, यह मेरी समझ से परे है। क्योंकि अभी भी यह स्थिति है कि यह गिना रहे हैं कि साहब हमारा प्रतिशत बढ़ा है और यह हुआ है वो हुआ है, आप मिलकर लड़े थे विधानसभा में तब क्या हुआ था, लोकसभा में लड़े थे तब क्या हुआ था, कमो और यही नहीं उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए पूरे भारत में जो स्थिति है उसके बावजूद मेरे विचार इस प्रकार से उत्तर देने की बजाय। सर 90 सेकंड हो गए, आपको माफी चाहता हूं, आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, 90 सेकंड हो गए पहले सवाल के जवाब में, 90 सेकंड की समय सीमा निर्धारित है। रविदास मेहरोत्रा आपको भी लगता है सीटें आए ना आए जीत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हुई है? देखिए चुनाव ये हुए हैं नगर स्थानीय आयोग के, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने परसीमन किया, परसीमन में शिकायतें आई कोई सुनवाई नहीं हुई, वोटर लिस्ट में लाखों लोगों के नाम काट दिए गए और खास तौर से जो वो लोग जो सब धर्मों का सम्मान करते हैं सेकुलर लोग हैं उनके नाम काट दिए गए, पोलिंग चेंज कर दिए गए और बार बार शिकायत करने के बाद भी कि ईवीएम मशीन में खराबी है गड़बड़ी होने की संभावना है उस संभावनाओं को देखने के बाद भी उन शिकायतों को सुना नहीं किया गया। हम लोगों ने लिस्ट दी कि इनके नाम काट दिए गए हैं, इनके नाम जोड़े जाए, उनके नाम जोड़े नहीं गए और भाजपा ने जो नाम बताए वो नाम जोड़ लिए गए। अब बात ये हो रही थी वोटों की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी जी ने अपना वोट डाला था उस वार्ड में चुनाव हार गए और इसके साथ साथ जो मंदिर है अवैधनाथ गोरखधाम मंदिर है उसके पास जो चार वार्ड है चारों वार्डों में भाजपा चुनाव हार गई। और बात करते हैं कि हम अयोध्या मंदिर बनाएंगे, अयोध्या की सीट भी सपा जीत गई है भाजपा हार गई है और भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हुआ है समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा है। और मुख्य बात यह है कि चुनाव खत्म होने के बाद ही दाम बढ़ गए बिजली के,
जनता ठीक सर 90 सेकंड हो गए आपके। निनाद सेठ, क्या आपको लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सही रीड कर रही है या फिर ये इस नतीजे से भी समझने को तैयार नहीं? देखिए, ये नतीजे चौंकाने वाले हैं कांग्रेस के लिए, उनकी सफाई हो रही है और अगर वो अभी भी नहीं संभल रहे तो उनके लिए खतरे की घंटी है। राजनीति में मोमेंटम यानी गति बहुत जरूरी होती है, तो अगर आप देखें तो मोमेंटम, ये तीसरा एक इलेक्शन है इंडिया के सबसे बड़े स्टेट यूपी में जहां बीजेपी लगातार तीसरी बार जीती है, पहले पार्लियामेंट्री, फिर स्टेट पे और अब लोकल लेवल पे। तो इससे ये तो साफ ही हो गया है कि इस वक्त मोमेंटम बीजेपी के साथ है। कांग्रेस और सपा के दोनों को मिला के ज्यादा सीटें मेरे ख्याल से बीजेपी लाई है और अमेठी में भी इतना अपना डंका बजाने में कामयाब हुई है। तो यूपी ऐसी जगह पे अगर इतना बड़ा परिणाम आया है और अपोजिशन पार्टी ये नहीं समझ पा रही है कि एक लहर सी छा रखी है और वो लहर तीसरी बार यानी लोकल इलेक्शन में भी चली है, मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस है और इसका गुजरात पे भी असर होगा। हालांकि दोनों की के इश्यूज अलग है, मैंने जैसे पहले कहा कि राजनीति में मोमेंटम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उससे राजनीति में पॉलिटिकल विल इफेक्ट होता है। तो गुजरात में इसका ट्रांसलेशन हम देखेंगे तीन तरीके से। पहली बात तो लोकल केडर है बीजेपी का, वो उत्साहित होगा। दूसरी बात यूपी में अब जैसे फैजाबाद जो बहुत लोग कह रहे थे कि ग्रास की इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन के बाद, वो बीजेपी ने जीती है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो मुद्दा इतना बड़ा उठाया था वो पीक हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। वोटर कह रहा है कि हमें डिस्पाइट डीमोनेटाइजेशन, डिस्पाइट जीएसटी, हम वोट दे रहे हैं बीजेपी। 90 सेकंड हो गए, मैं सुधांशु और अखिलेश जी के पास वापस आ रहा हूं। सुधांशु, आपको लगता है गुजरात में भी ये रिपीट होगा जो आप मान रहे हैं कि मोदी लहर चल रही है अभी उत्तर प्रदेश में फिर से? देखिए, 2014 के जो लोकसभा के परिणाम थे वो केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं थे, वो एक व्यवस्था परिवर्तन के थे और देश की एक मनोदशा परिवर्तन के थे। इसलिए आपने देखा उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, एक दो चुनावों को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ उतनी सीटें मिली हैं बल्कि कई जगहों पर बढ़ के मिली हैं और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव में भी वही दिखा। उसी प्रकार का वातावरण कमोबेश आपको यहां पर नगर निगम में दिखा, हम 16 में से 14 जीते हैं। तो मुझे लगता है गुजरात में भी वही प्रभाव दिखेगा। भाजपा श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता की विश्वास को उत्तरोत्तर प्राप्त करती जा रही है वैसा ही हमें गुजरात में नजर आएगा। अखिलेश जी, गुजरात के लिए आपको लगता है रणनीति में कुछ बदलाव करेंगे आप लोग इस नतीजे के बाद, फर्क डालेंगे? हमारी रणनीति जो है गुजरात की एक ही है, गुजरात की बेहतरी, गुजरात का विकास, गुजरात के लोगों को रोजी रोजगार का। और गुजरात में माननीय मोदी जी का रोड शो भी लोगों ने देखा है, माननीय मोदी जी का जनसभा भी देखा है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्कूटर शो भी देखा है और मुख्यमंत्री जी के वीडियो वायरल जो हो रहे हैं वो सब भी देखा है। गुजरात में सुपड़ा साफ खूब ठीक से आराम से होगा, यही बीजेपी है। कई महीने चुनाव टाली पंचायत के, नगर पंचायत के, और उसके बाद अपने सारे आठों सात लोगों को बैकडोर से इस्तीफा दिला करके चुनाव न फेस करना पड़े, एमएलए का बैकडोर से सीएम डिप्टी सीएम दो सारे लोग उसके थ्रू आए। और आज आप लोग बार बार यही कह रहे हैं, आप अभी आपने चैनल पर दिखाया कि अमेठी नहीं बचा पाए, अमेठी लड़े हो तब ने, लेकिन एक तरफा प्रचार माध्यम बने रहना तो हम कुछ नहीं, तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि हम यूपी नहीं लड़े, आप ये भी कह सकते हैं लोग निजी तौर पर लड़ रहे थे, हमारा कोई लेने देना नहीं था उससे। आप लोग तो जो बीजेपी कह रहे हैं आप फ्री है कहने के लिए, मैं तो आपको सुझाव दे रहा हूं, आप ये भी कह सकते हैं। नहीं, आप हाँ तो आप भी आप कह रहे हैं, ये कह रहे थे चार पर बैठकर, मैं तो जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई थी तो ये कह रहे थे कि ये सब ईवीएम की वजह से हो रहा है, ईवीएम खराब है इस देश में। सुनिए, आप वो भी कह सकते हैं, आपके पास छूट है। जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि हम कुछ कहने को तैयार हैं, वैसे आप भी स्वतंत्र हैं किसी का भी मुखपत्र बने रहने नहीं, के नहीं, ये आपकी गलतफहमी है अखिलेश जी, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें आपत्ति आप नहीं है। अपने सर्टिफिकेट दफ्तर रख क्या करिए अपनी पार्टी के, अपनी बात रखने का अगर आप में मादा हो तो बात रखा कीजिए, आप अपनी बात कहने के अलावा सब कहते हैं आप, और मुझे लगता है कि आपकी पार्टी आपको भेजती भी इसीलिए कि आप मुद्दे की बात के अलावा सब कहें। आप बोल लें फिर मैं बोलूं, एक आदमी बोले, मैंने तो मौका दिया आपको, लेकिन आप मुद्दे की बात करने के अलावा सब बोल रहे हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं। देखिए, मैंने कहा ना कि जितनी है क्या उतनी बीजेपी एक भी सीट ज्यादा जीत पाई है? आप बताएंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे, कौन बताएगा, कोई बताएगा? आप बताए ना, आप हमने ज्यादा बताइए, पिछले बार से जीत आप गिन के आए ना, मैं तो बता रहा हूं, आप गिन के आए, 16 में से
दो सीटें जो पिछले बार नहीं जीते थे इस बार भी लेते हैं, लोग सांसद मेयर में उतनी बराबर हैं, जो टाउन एरिया नगर पालिका है उसमें बीजेपी की सीटें संभवतः जो पूरे आंकड़ा ने दी हमें अभी तक जो आंकड़े उसके हिसाब से कम है। ये तब है जब बीजेपी विपक्ष में थी पिछले बार, न उसका मुख्यमंत्री था न प्रधानमंत्री था न उसके केंद्रीय मंत्री थे। आज जो सीटें इतनी जीते हैं, मुख्यमंत्री गांव गांव प्रचार करने गए हैं, पूरी कैबिनेट दिल्ली की लगी, लखनऊ की लगी थी, दिल्ली का यूपी का हर मिनिस्टर लगा हुआ था, उसके बाद भी पिछला रिकॉर्ड मीट आउट नहीं कर पाए, फिर भी बीजेपी जीती हुई बताया जा रहा है। तो धन्य है बताने वाले सारे लोगों को, धन्य है उसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकता। धन्य नहीं आप, धन्य है भाई, धन्य मैं तो तुलना किससे करें, आपके मोबाइल पे इंटरनेट चलता है। रोहित जी एक सेकंड, रोहित जी, रोहित जी देश के सारे अखबार के हेडलाइन बनाने पड़ दीजिए। रोहित जी 10 सेकंड के बाद सुधांशु त्रिवेदी आप इनको जवाब देना चाह रहे हैं, दे दीजिए आप तब तक अखबार पढ़िए। 10 सेकंड देखिए देखिए, अरे मैं मेरे पास अभी जो नेट पे सूचनाएं हैं 652 में से 341 पे टाउनरिया नगर पालिका नगर महापालिका मिलाकर के बीजेपी लीड कर रही है। 50% सीटें करीब होती हैं इस हिसाब से कि बीजेपी लीड कर रही है, रिजल्ट अभी नहीं है ये, लीड कर रही है। दो तिहाई तीन चौथाई बहुमत पाने वाली 8 महीना पहले दो तिहाई आधे पे लीड कर रही है। अच्छा 100% पे जीतना चाहिए था, बार बार कह रहे हैं बहुत बढ़िया। नहीं आप तो ये कह रहे हैं कि आप, ताली आपके लिए, इसके लिए ताली अखिलेश जी, इसके लिए आपके लिए आपने ताली लायक आज बयान दिया। आप उम्मीद कर रहे थे 100% जीते क्योंकि मुख्यमंत्री उतर गया था, आप राहुल गांधी को क्यों नहीं उतार रहे थे, इसका सवाल आपसे पूछूंगा ब्रेक के बाद। इतनी तो आप बिना बिना इतनी तो आप बिना इतनी तो आप बिना सत्ता में जीते थे। अखिलेश जी से इतनी तो बिना सत्ता में रहे, दूसरी पार्टी को भी इससे ज्यादा, दूसरी पार्टी को बाकी 50% में आप 25% से कम है तो टाइम भी उस हिसाब से लीजिए ना प्लीज। अखिलेश जी मैं बोल लूं, सुधांशु जी, अखिलेश जी भाई आपकी बात में पहले मैं करेक्शन कर दूं कि हमारे सीएम और डिप्टी सीएम बैकडोर से आए। अरे भाई सीएम सांसद थे, चुनाव जीत के आए थे, केशव मौर्य डिप्टी सीएम सांसद थे और दिनेश शर्मा महापौर थे, दो बार चुनाव लड़के जीत के आए थे, तो तीनों ही चुनाव लड़े हैं और सीएम तो 5 बार लगातार जीते थे। इसलिए आपकी आवाज के विधानसभा के सदस्य भाई अमेठी और गौरीगंज में आपने चुनाव में प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था। भाई बात सुन लीजिए ना, आप बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था, अब सुनिए। अरे भाई आप तो अपना प्रधानमंत्री बैकडोर से लाते रहे, पीछे से उसको रोबोट बना के, तो उसको छोड़िए, हमारे तो 5 बार का जीता हुआ सांसद जो है वो मुख्यमंत्री है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपने कहा कि अमेठी आप लड़े नहीं, गौरीगंज आप लड़े नहीं, मेरी जानकारी में तो आपने प्रत्याशी खड़ा किया, फिर उनको सिंबल देने की हिम्मत नहीं कर पाए। और अगर नहीं कर पाए तो मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई कांग्रेस, क्योंकि आपकी वो हालत है कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले, जो अपने क्षेत्र में खड़े होने की हिम्मत न कर पाए, वो आके आज ये कह रहे हैं। वैसे मेरी जानकारी में प्रत्याशी खड़ा किया था, मेरे ख्याल से आप लोग उसको शायद सिंबल देने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। बोलिए अखिलेश जी, अरे भैया वीर रस नहीं, आप जो भ्रमर रस में चल रहे हैं ना, अभी तक भ्रमे भ्रम में चल रहे हैं, भ्रामरी में जनता नहीं आने वाली। मैंने कहा ना कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया झूठ नहीं, आप तो हम लोग लोकल चुनाव की यूनिट में है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, सवाल लोकल चुनाव का नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूं। सवाल ये है अखिलेश प्रताप सिंह, लोकल यूनिट के रिकमेंडेशन प्लीज सुन लीजिए, आपने मौका दिया तो मैं सुन लीजिए, बोल लीजिए, चलिए उसके बाद। स्थानीय चुनाव हमारी स्थानीय यूनिट तय करती है, पिछले कई वर्षों से, कई चुनावों से अमेठी में टाउन एरिया के चुनाव हम लोग नहीं लड़ते हैं, कई वर्षों से मुसाफिर दो टाउन एरिया नहीं लड़ते हैं इस बार, क्योंकि प्रत्याशी बड़े बड़े प्रदेश के नेताओं को बात करते हुए कुत्ते के बिस्कुट खिलाने वाले राहुल गांधी जी, अरे आप झूठ बोलने वाले लोगों का पोल खुला, पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने ये माना कि अमेठी में आपने झूठ बोला था। आप अरे हमारी पोल तो खुली हुई है, आपका तो कुछ बचा ही नहीं है, अब हो गया, हमारी हो गया, झगड़ा हो गया, पर्याप्त हो गया, अब आ जाइए इस बात पे, अब आ जाइए सुधांशु जी, आपने हमें बहुत डिस्टर्ब किया, और सुधांशु जी अब रुक जाइए थोड़ा सा, डिस्टर्ब किया आपने, अब एक सेकंड, चौथे पे थे, एक सेकंड अखिलेश जी, आपका सहयोगी संगठन है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, वो भी तो रिटेन नहीं कर पाए, सुन लीजिए रविदास मेहरोत्रा को भी सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए एक बार, रविदास मेहरोत्रा, कांग्रेस पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में उनको कोई नुकसान हुआ है जी, कांग्रेस पार्टी अभी भी उसी हवा में है
कि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसमें नुकसान बीजेपी ने उठाया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और गुजरात में हम इससे मजबूत स्थिति में होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी को जब से कांग्रेस का साथ मिला नुकसान ही नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ कोई भी? देखिए रोहित जी, अगर आप वोटों का आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी उतने वोट मिले हैं उससे ढाई गुना वोट भाजपा के खिलाफ मिले हैं। और ये बात है कि भाजपा के खिलाफ जो वोट हैं वो वोट का बंटवारा हो गया। हम लोग ये चाहते हैं, मेहरोत्रा जी आपकी तस्वीर देख नहीं पा रहे हैं, आप कह रहे हैं ढाई गुना वोट मिले हैं, लेकिन सीट अभी अखिलेश जी ने खुद माना कि 50% बीजेपी के पास है और बाकी 50% में बीएसपी, एसपी, कांग्रेस, अन्य सब निपटे हैं, जिसमें कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा हाशिए पर है। लोकतंत्र में सीटों की गिनती होती है या वोटों की? आप वोट शेयर से सरकारें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, विपक्ष में बैठते हैं या सीटों से? भाई भारत में तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, तो जो बाकी की पार्टीज को कितना मिला वो रेलेवेंट है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये भूल जाते हैं कि यूपी के इलेक्शन में अपना दल कांग्रेस से ज्यादा वोट लाई थी, ज्यादा सीटें लाई थी, मेरे ख्याल से 9 सीटें लाई थी और कांग्रेस 7 सीटें लाई थी, तो अगर कांग्रेस इस वक्त भी यही सोच रही कि उसको कितनी सीट मिली, इस फला पार्टी को कितनी सीट मिली, ये अगर उनका प्री ऑक्यूपेशन, तो उनके लिए बहुत ज्यादा खतरा है। सबसे बड़ी स्टोरी क्या है हमारे पिछले इस जनरेशन की सबसे बड़ी स्टोरी है कि जहां आप देखें धीरे धीरे कांग्रेस जो इस भारतवर्ष की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, फाउंडिंग पार्टी मानी जाती है, उसका दबदबा हर जगह लोग कम कर रहे हैं, लोगों में कांग्रेस की एक्सेप्टेंस कम हो रही है। एक सिस्टमिक चेंज है और इसी ये हमने यूपी में देखा, इससे पहले हमने ये जनरल इलेक्शंस में देखा था, इससे पहले हमने यूपी के इलेक्शंस में देखा था कि धीरे धीरे कांग्रेस जो भारत की सेंट्रल फोर्स मानी जाती है, कांग्रेस सिस्टम जिसे राजनीति कोठारी ने बड़ी फेमसली कहा था, उसकी जगह एक नया फोर्स आ रहा है और एक वैक्यूम कांग्रेस छोड़ती हुई जा रही है। तो मेरे ख्याल से गुजरात में भी यही हमको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के ऊपर क्या लोगों का भरोसा अब धीरे धीरे हट रहा है, ये प्रश्न कांग्रेस को बॉदर करना चाहिए, ये उनको बॉदर नहीं करना चाहिए कि इसको कितनी सीट मिल रही है या उसका वोट शेयर कितना बड़ा है। और मेरे को लगता है कि कांग्रेस एक डिनायल में है यहां। ठीक, रविदास मेहरोत्रा आ गए, वापस कनेक्ट हो गए। रविदास जी, आप कह रहे थे वोट शेयर बढ़ा है, वोट शेयर से तुलना कर लेंगे या इस बात से तोलेंगे कि आपको सीट कितनी मिली, उसको सीट कितनी मिली? देखिए रोहित जी, मैंने ये कहा कि जो मतदान हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी से वोट मिले हैं उसे ढाई गुना वोट उसके खिलाफ मिले हैं, लेकिन वोटों का बंटवारा हो गया इसलिए भाजपा जीत गई। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि 2019 में भाजपा के खिलाफ सारा वोटर इकट्ठा हो जाए और एक मत होकर के वोट का प्रयोग करने का काम करे। गुजरात में भी आप देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी के योगी जी वहां पर गए और वहां पर पूरी सभा में कुर्सियां खाली थी और वहां पर भीड़ नहीं है, लेकिन जो परिणाम आएंगे वो परिणाम उनके पक्ष में होंगे। इसीलिए हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की संभावना है और जनता को जो उसके मन भ्रम है उसको दूर कर रही है। चुनाव से पहले कई बार कहा गया, फिर हम लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है और लगातार शिकायतें आ रही हैं। सर, जब चुनाव आयोग बुला रहा था आप लोग गए क्यों नहीं हैक करने के लिए? और उसका वोट कहीं और निकल रहा है। जब चुनाव आयोग बुला रहा था हैकेथन के लिए आप लोग गए क्यों नहीं? आप भी अर्जी लगाते हैं कि हम आएंगे, हम हैक करके दिखाते हैं। देखिए हम ये आपके सामने कह रहे हैं कि पत्रकार लोग रहे, मशीन को दिखाया जाए, हम दिखा देंगे कि कैसे मशीन हैक होती है, लेकिन वहां पर चुनाव आयोग के सामने वो लोग जाने को तैयार नहीं है जो हैक करने का काम करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने जब न्योता दिया था, चुनाव आयोग ने रविदास जी जब बुलाया था तब पार्टी को बुलाया था, जो आपका गठबंधन भी उस समय मैदान में था वो जा सकता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ये कह सकते थे कि हमें चुनाव आयोग की ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इस देश के चुनाव आयोग पर हम यकीन नहीं करते, इसलिए इन मशीनों की हम जांच करना चाहते हैं, इनके ऊपर हम हैक करने का टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त किसी पार्टी ने उस समय हामी नहीं भरी थी। तो आज क्या पार्टियों को अधिकार है ईवीएम पर सवाल उठाने का, और अगर सवाल उठा रहे तो सही प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं उठाया जाता, टीवी चैनल्स पर और अखबारों के माध्यम से ही केवल क्यों उठाया जाता है? आप देख रहे हैं दंगल आज तक पर, और सवाल ये कि यूपी में दिखा दम, क्या गुजरात में भी होगी बीजेपी की बमबम? हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त मौजूद हैं, अखिलेश प्रताप सिंह हैं बीजेपी और कांग्रेस से, रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी से हैं, जो कह रहे हैं कि ढाई गुना वोट विपक्ष को ज्यादा मिला है बीजेपी से, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हुआ है। दोनों बातें एक साथ कैसे हुई हैं ये वही बेहतर बता सकते हैं। निनाद सेठ हमारे साथ हैं,
जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुधांशु त्रिवेदी और अखिलेश प्रताप सिंह, मैं आपके पास दोनों के पास आ रहा हूं। सुधांशु, अगर आप इतने यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि मोदी लहर चल रही है, हम जीत जाएंगे, तो चुनाव नतीजे पूरे आने से पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी को एक बार फिर यह कहने की क्या जरूरत पड़ी कि यह मंदिर के लिए हमको जनादेश मिल रहा है, मंदिर बनवाना चाहती है जनता, योगी जी पर भरोसा करती है, इसलिए वोट दे रही है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की संरचना में एक मूलभूत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित और कैडर आधारित दल है, जबकि कांग्रेस एक सत्ता आधारित और नेता आधारित दल है। तो विचारधारा वाला पक्ष हमारे साथ है, तो जब हमारे साथ जनता जुड़ती है तो संगठन, विचारधारा और नेतृत्व तीनों को देख के जुड़ती है। तो हमारी विचारधारा, हमारी प्रतिबद्धता, जिसमें राम मंदिर भी शामिल है, उन सबका भी महत्वपूर्ण रोल होता है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभी हमारे विपक्षी कह रहे थे, भाई अभी ये कह रहे थे कि साहब इलेक्शन कमीशन के बारे में, जब इलेक्शन कमीशन ने आपको चुनौती दी थी ईवीएम को लेकर, तब क्यों नहीं आप गए थे? गुरदासपुर पंजाब हम हारते हैं तो आप कहते हैं ये तो लोकतंत्र की जीत है, जब दिल्ली में हम बवाना का चुनाव हारते हैं विधानसभा का तो आप कहते हैं साहब ये तो जीत है, और जब उत्तर प्रदेश में आप हारते हैं तो कहते हैं साहब ईवीएम गलत है, इलेक्टोरल रोल गलत है, रविदास मल्होत्रा जी कह रहे थे। इसका मतलब आप चुनाव आयोग को गलत सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं और मीडिया को गलत सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश जी, कि मुखपत्र बनकर बैठे हुए हैं, फिर ये कहेंगे जनता को भ्रमित कर दिया सांप्रदायिकता के मुद्दे पे इसलिए जीत गए, यानी जनता गलत हो गई। अभी आपने देखा था कुछ महीने पहले रोहिंग्या के मुद्दे पे इंटेलिजेंस एजेंसी को भी गलत सिद्ध करने को तैयार थे। तो भैया सब गलत हैं, मगर मैं सही हूं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं लगातार जनता के द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा हूं, इसके बावजूद मैं ही सही हूं। और अंत में मैं कहूंगा डिवीजन ऑफ वोट्स पे, तो मैं पूरी विनम्रता से पूछूंगा रविदास मल्होत्रा जी से कि जब अखिलेश यादव जी जीते थे तो कितने प्रतिशत वोट से जीते थे? तब भी क्या दो तिहाई वोट उनके खिलाफ नहीं था? हम तो फिर भी 42% पे जीते हैं, अखिलेश जी तो 35-36 पे जीते थे। और अखिलेश सिंह जी से पूछिए कि जब स्वर्गीय राजीव गांधी देश के इतिहास की सबसे प्रचंड बहुमत की सरकार लेके आए थे तो राष्ट्रीय स्तर पे 42-43% ही वोट मिला था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कभी 40% 42% से ऊपर नहीं पाए। इसलिए इस प्रकार की बातें कहना, मेरा मानना है जनता के जनादेश का अपमान करना है और लोकतंत्र की मूल अवधारणा जिसे हमने स्वीकार किया है उसका माखौल उड़ाना है। ओके, अखिलेश जी बोलिए। काफी हंसी की बातें अभी मैं सुना सुधांशु जी से, इन्होंने एक बोला कि भाजपा विचारधारा की पार्टी है, इससे बड़ी हंसी की चीज क्या हो सकती है? कश्मीर में जिसको आतंकवादी बताते थे उसके साथ सरकार में बैठे हैं, ये विचारधारा है, सिर्फ सत्ता के भोगी हैं, मैं अभी गिना रहा हूं इनको, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, ये गौ भक्त हैं। टीवी पे लोग कहते हैं गौ के साथ, हम लोग भी गौ भक्त हैं, लेकिन ये कहते हैं कि कुछ करोगे तो हम मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जहां गौ का मांस खा के ओट मिलता हो वहां कहते हैं खाओ कोई रोक नहीं है, इनके मंत्री कहते हैं खाओ कोई रोक नहीं है, खाऊंगा कौन रोक लेगा? तो ये सत्ता के भक्त हैं या कौन सी नीति है इनकी, दोनों में से कौन सी नीति है, ये विचारधारा कौन सी है इनकी? यही विचारधारा है कि इनके इन प्रकार सत्ता चाहिए, सत्ता के भक्त हैं, गंगा राम सिर्फ तिजारत करना है, उसकी बात करना है। चलिए, ये तो इनका जो विचारधारा था मैंने उस पर थोड़ा प्रकाश डाला। अब जब लोकसभा हो रहा था, लोकसभा जीत गए तो कहा अब मैं स्मार्ट सिटी और काशी को क्वेटो और नगर महापालिकाओं को, शहरों को स्मार्ट सिटी और ये सब बना दूंगा, नहीं बना 2.5 साल बाद 3 साल बाद। फिर विधानसभा का कहे भैया ये 5 जिलों मैंने चुन लिया है, अब बहुत जल्दी हो जाएगा, जापान के प्रधानमंत्री से एग्रीमेंट भी कर लिया था क्वेटो का, क्वेटो तो काशी के मेयर दौरा भी कराए थे, क्वेटो अभी नहीं बन पा रहा, स्मार्ट सिटी का भी हो गया 10 महीने 9 महीने इनके भी हो गया विधानसभा के, एक कोई स्मार्ट सिटी के हिट नहीं रखी गई, पूरे 2 करोड़ घर बनाने का 2 लाख भी नहीं बन पाई, अब महापालिका आ गया अब बना दूंगा, यही वो इसी को बोलते हैं झांसा, सिर्फ भोली भाली जनता को, भावनात्मक हमारे प्रदेश की जनता है उसको आप इस तरह गुमराह करते रहो, आप जीत रहे हो इसमें कोई दुविधा नहीं है, आपने परिणाम क्या दिया ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण यह है कि इतना यकीन जनता कर रही है, बार बार कर रही है, लेकिन आप जनता को अपने स्वभावतन जो आपका स्वभाव है छलिया उससे छल रहे हैं,
आप उसके उम्मीदों पे वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा 70 वर्षों बाद आपको अवसर मिला है, अगले बार तो 75 वर्षों तक अवसर नहीं मिलेगा, इसी तरह अगर जनता को आप छलेंगे। ठीक, जनादेश इस तरह से मजाक मत उड़ाइए। ओके, मजाक कौन उड़ा रहा है, ये जनता खुद तय कर रही है और उसके आधार पर वोट भी डालती होगी शायद। सुधांशु बोलिए आप, उसके बाद निनाद से डॉक्टर कमेंट। 70 वर्षों देखिए रोहित जी, पूरे वर्ल्ड वाइड विचारधारा का मतलब होता है आप इनके बाद में है या राइट अवसर दीजिएगा, आप वामपंथी हैं या दक्षिणपंथी हैं। कांग्रेस नहीं जवाब दे पाएगी, कांग्रेस नहीं जवाब दे पाएगी। और इन्होंने तमाम बात कही, अरे मैं ये तो ये भी नहीं बोल पाएंगे कि ये मंदिर के पक्ष में है या तथाकथित बाबरी मस्जिद के पक्ष में। बाकी सब तो छोड़िए, ये राम राज्य की बात अयोध्या में कहेंगे 1989 में और 90 में कार्यकर्ताओं के हथियारों का समर्थन करेंगे, इसलिए वो जनता ने सारी बात देख ली है। और एक बात मैं और कहूंगा, रही बात विकास की, तो जनाब 70 सालों से लगातार अमेठी रायबरेली में एक ही परिवार का आधिपत्य है और जिसमें 40 साल दिल्ली में आपने हुकूमत की और पिछले 20 साल भी दोनों सपा बसपा आपके साथ थे केंद्र में। क्या हुआ, कितना विकास हुआ? बस आलू की फैक्ट्री बन के रह गई, साइकिलों की फैक्ट्रियां केवल उसके ऊपर कागज पे बन के रह गई। तो वही मैं पूछना चाहता हूं, अब तक तो अमेठी रायबरेली को मुंबई बन जाना चाहिए था। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा विकास हो या विचारधारा, आपका असली चेहरा जनता देख। झूठ बोलने वाले, ओके ओके सर, झूठ तो अखिलेश जी देखिए, झूठ सच का फैसला क्या है ना, एक सेकंड अखिलेश जी, एक सेकंड रुक जाइए, झूठ शब्द बहुत कह रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए, अगर फैक्ट पे जवाब मैं, एक सेकंड रुक जाइए सर, तथ्य सर आप लेके आते हैं ट्विटर से, गूगल से, व्हाट्सएप से, उस तथ्य को हम कितना तथ्य मान लें। आपने आते ही कह दिया कि हमने तो जी चुनाव लड़ाया ही नहीं। सर आपने ये तथ्य छुपा लिया कि 4 सीट में से 2 पर आपके आदमी उतरे थे, 2 पर आपके आदमी नहीं उतरे थे। जिन 2 पर आपके आदमी उतरे थे वो चौथे नंबर पर जाके गिरे हैं सर, पहले क्या 4 में चौथे नंबर पर जाके गिरे सर। आपने छुपाया कि 2 लोग आपके हार गए चुनाव, आपने कहा अमेठी आप क्यों लिख के चला रहे हैं। अखिलेश जी सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। नहीं अखिलेश जी, नहीं हुआ, आपसे जवाब मांगा नहीं जा रहा, आपके जवाब की पोल खोली जा रही है, पोल खुल चुकी है कि आपने आते ही झूठ बोलना शुरू किया कि हम तो अमेठी में चुनाव में उतारते नहीं। आप 2-4 में से 2 चुनाव नहीं उतारते और 2 चुनाव आपने लड़ाए, वो दोनों में आप चौथे नंबर पे आए, उसके बाद आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठकर, झूठ आप दूसरों को बताते हैं और खुद बोलते हैं। बोलिए आप, देखिए मैंने मेरी बाइक निकाल के देखिए, रिप्ले करिए, मैंने उसे बोला कि टाउन एरिया हम नहीं लड़ाते हैं और अमेठी टाउन एरिया है। अच्छा, 2 टाउन एरिया मैंने बोला नहीं लड़ाया हमने। अच्छा, अमेठी में 4 सीटें आती हैं, अमेठी टाउन मानते हैं, सुनिए मानते हैं, हमारी मर्जी होगी तो मानने का, हमारी मर्जी होगी, सुनिए एक एक करके सुनिए, समय चला गया, वो खाता ना बही, वो आपसे वही सही, समय चला गया, झूठ बोल के भागिए मत, से निकल जाइए बाहर, क्या जो बोलेंगे वही सत्य मान लिया जाएगा। 10 सेकंड और, अरे 10 सेकंड और, जनता के सामने सब कुछ आता है, सुनिए, अरे सुनिए, झूठ बोलने वाले आप लोग, झूठ आप बोल रहे हैं, आपकी झूठ की पोल खुली है अभी। अरे मैंने झूठ आप बोल रहे हैं, आपके झूठ की पोल खुली है सर, मैंने बोला कि 4 सीटें हैं, 2 नगर पालिका है, 2 टाउन एरिया है, दोनों टाउन एरिया हम नहीं लड़ाते हैं, नहीं लड़ाए हैं, और गांव वाले को गिनते नहीं, अमेठी टाउन एरिया है, इसलिए अमेठी को तो नक्शे से हटा दो, चुनाव के बारे में उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। अरे ठीक, अदृश्य कर दो, आप लोग अपना भोपा बंद करें, आप अपना भोपा बंद करें, ठीक टाउन एरिया है, इसलिए मैंने नहीं लड़ाया। रविदास मेहरोत्रा आपके पास आ रहा हूं, आपने कहा रविदास मेहरोत्रा, अरे इनका 2.5 गुना वोट मिला है आपको, 2.5 गुना वोट मिला है आपको अगर, तो ईवीएम हैकिंग आपके पक्ष में हो रही है ना, फिर तो आप ईवीएम हैकिंग भी साथ में लेके चलना चाहते हैं और 2.5 गुना वोट परसेंटेज भी साथ में लेके चलना चाहते हैं, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हैं? रोहित जी मैंने ये कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने के बाद, लाखों लोगों के वोट काटने के बाद, परसीमन में हमारी शिकायत सुनने, वो सारे वोट आप ही के थे जो कटे, ईवीएम में घपला होने के बाद भी मैंने आपसे कहा ईवीएम, हाँ हमारे थे वो दलित पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक लोग थे जिनके नाम लिस्ट से काट दिए गए, वो सारे हमारे वोट थे, इस वोटों के काटने के बाद भी, ईवीएम में गड़बड़ी करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी से 2.5 गुना वोट मिला है भाजपा के खिलाफ, और हम उस मतदाता को एक करने का काम करेंगे। हमने कहा है
कि जो भाजपा के खिलाफ वोटर है उस वोटर को एक करके वोट को डिवाइड होने से रोकने का हम लोग काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वोटों का बंटवारा हो जाए और वोट को बांट करके सत्ता में काबिज हुई है हम लोग। ये ठीक सर, तो यूपी में दिखाए दम, क्या गुजरात में होगी बम बम? माकरी पड़ा पर दंगल के निनाद सेठ, ईवीएम का रोना क्या लोगों को पसंद आता है? सर ये जो बाल की खाल उधेड़ने में लगी हुई है सपा और कांग्रेस और रियलिटी को फेस नहीं कर रही, वो उनको महंगा पहले भी पड़ चुका है और बाद में भी पड़ेगा। और महंगा पड़े या ना पड़े, ये भारत के प्रजातंत्र पे एक इंसल्ट है, एक अपमान है भारत के प्रजातंत्र का, जो पूरी दुनिया देख चुकी है। भारत में प्रजातंत्र चलता है, इलेक्शन चलता है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है पूरी वर्ल्ड में, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ऐसे ही नहीं मानी जाती। तो मेरे ख्याल से तो कोर्स करेक्शन जिसे कहते हैं सब, खासकर कांग्रेस के लिए ये कोर्स करेक्शन की घड़ी है कि भाई हमारा पुराना राग, हमारी पुरानी लीडरशिप चल नहीं रही है। कितने इलेक्शन उन्हें लगेंगे ये रियलाइज करने में मुझे तो पता नहीं है। और गुजरात में अगर मैं, अगर कांग्रेस को जीतना है तो कोर्स करेक्शन कि ये नहीं चल रहा है, हमें क्या क्या डिफरेंट करना चाहिए, क्या अलग करना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि गुजरात में जो कोएलिशन भी है उनका, वो एक कास्ट कोएलिशन है। गुजरात में अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो कास्ट कोएलिशन चले नहीं है, वहां क्लास ज्यादा चलता है। और मैंने जैसे पहले कहा, एक गति, मोमेंटम, पॉलिटिक्स में मोमेंटम का बहुत बड़ा मतलब है। तो मैं ये, यहां का टेक अवे क्या है, यूपी के इन इलेक्शन रिजल्ट का टेक अवे क्या है, जो 16 में से 14 बीजेपी सीट्स जीती हैं, टेक अवे ये है कि लोगों को बीजेपी पे भरोसा है और उनकी जो पॉलिसीज है वो इलेक्टोरली ट्रांसलेट हो रही है जीतों में। चलिए देखने की बात है गुजरात की जनता किस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान देती है और गुजरात की जनता को किसका कोर्स करेक्शन पसंद आता है, बीजेपी का या फिर कांग्रेस का, जिस अंदाज में राहुल गांधी इस समय गुजरात के मैदान में। फिलहाल आप सब लोगों का शुक्रिया, छोटा सा ब्रेक लेने आप देख रहे हैं।